आंसुओं का एक ऐसा जन सैलाब बन के उपड़ा है जिसका खामियाजा पूरी भाजपा पार्टी ने आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। की सरकार ने एक बड़ा एजेंडे पे किसानों को बदनाम करने की कोशिश की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 70, मैं हूं आपके साथ अमित ढंडा। भाई जल्दी से सारी सुविधा मौजूद है हमारे दौरे, तो किसान आंदोलन को लेकर बात करेंगे। भाई साहब राम राम। राम भाई, राम राम भाई साहब। आंदोलन के बारे में अगर हम बात करेंगे, जो राकेश टिकैत जी की वीडियो वायरल हुई जो इमोशनल वाली, उसके बाद रातों रात जो किसान आंदोलन का पलटा जो पलट गया, और भारी संख्या में जो किसान है उससे भी ज्यादा, मतलब बड़ी संख्या में तादाद में वो सभी वोटों में पहुंच गए, क्या कहना है इसमें? देखो, इसका स्पष्ट कारण था, ये राकेश टिकैत का अकेला का आंसू नहीं आए थे, ये हर उस किसान परिवार का जो किसान व्यवसाय से जुड़ रहे हैं या किसान परिवार से जुड़ रहे हैं, हर आंखों में आंसू आए थे। और उन आंसुओं का एक ऐसा जन सैलाब बन के उभड़ा है जिसका खामियाजा पूरी भाजपा पार्टी ने आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। सरकार तो बोल रही है कि जो भी हाल ही में बजट पेश किया वो भी हमने किसानों के पक्ष में किया। अगर किसानों के पक्ष में कोई बजट आता तो किसानों को इस भारी तादाद में इकट्ठा होने की जरूरत नहीं पड़ती, दिल्ली बॉर्डरों पर बैठने की जरूरत नहीं पड़ती, हम अपने घर पर अपने खेतों को संभालना उचित समझते हैं। दलदीर भाई साहब, अगर हम 26 जनवरी की बात करें तो किसानों का कहना है कि वो सरकार की एक सोची समझी चाल थी, एक बड़ी साजिश थी, क्या कहना है? देखो, इसमें एक स्पष्ट ही बात थी कि सरकार ने एक बड़ा एजेंडा पे किसानों को बदनाम करने की कोशिश की है, और जिसमें वो कामयाब होने के लिए अपनी पूरी आईटी सेल को अपने नेताओं को लगा रखा था, लेकिन परमात्मा की मेहर और किसानों के जो सच्चे दिल से आंदोलन की शुरुआत थी, आंदोलन चल रहा है आज, उसी का स्वरूप है कि उन बदनामी झेलने के बाद भी आज किसान आंदोलन लगातार अपनी उन्नति और तरक्की पर लगा हुआ है। दलदीर भाई, केल आ गया है जो सरकार है वो जो मान है, जो किसान की मांग है और जो 3 कानून है उनको वापस लेने में, मतलब एक किसान जो उनको वापस करवाने में कामयाब हो गए? बिल्कुल जी, स्पष्ट शब्द में हमारे किसानों ने एक बात कह दी है, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात कह दी है जल्दी से साई ने कि अगर बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। हम और भी आपको किसान जो नेता है उनसे रूबरू कराते रहेंगे। बड़े रहे के साथ।